Dear students, welcome to the session of class 11th physics subject. Dear students, आज का हमारा जो topic रहेगा, this will be chapter number 4, जिसका नाम है बच्चों dimensional analysis, और ये chapter physics के first unit से belong करता है. तो बच्चों dimensional analysis में जो first topic रहेगा, this will be about dimensional formula. Okay, क्या है dimensional formulas? डायमेंशनल फार्मूले क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि बच्चों जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कैसे लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, उसके बाद आप स्पीड मान लो, ठीक है, फोर्स मान लो, प्रेशर मान लो, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है. जब आप फिजिकल क्वांटिटीज को, ठीक है, मैंने सबसे पहले लेंथ बोला था, तो लेंथ चलो आप छोड़ भी दो चाहे, तो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम बच्चों इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इन टर्म्स ऑफ देयर फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स जो के 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, उनमें हम अगर हम इस एक्सप्रेस कर पाए. फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली 7 टाइप्स के होते हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन उसमें से हम जो मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसको हम यहाँ पे लेंगे. जैसे कि यहाँ पे मास हो गया, लेंथ हो गया एंड टाइम हो गया, ये तीन जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज है या फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है. तो जिसमें जो मास जो है उसको हम कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनली, और लेंथ को हम कैपिटल एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टाइम को बच्चों हम कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे इसकी इनकी कुछ ना कुछ यहाँ पे पावर होगी, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको हम लिखेंगे. तो ये बच्चों बन गया आपका डायमेंशनल फार्मूला. तो ये डायमेंशनल फार्मूले आपने सभी फिजिकल क्वांटिटीज के करने हैं. ओके, तो आइए बच्चों फिजिकल जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके अब हम डायमेंशनल फार्मूले यहाँ पे करेंगे. तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एरिया ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को देखिए एरिया आप लोगों को पता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये सभी को पता होगा एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. इसमें लेंथ के यूनिट मीटर आ गए, एसआई यूनिट, ठीक है, और ब्रेथ के यूनिट भी मीटर ही होंगे, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर बन गया बच्चों. ओके, तो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला देखिए, लेंथ को आप एल के साथ रिप्रेजेंट और ब्रेथ को भी एल के साथ रिप्रेजेंट करो, ठीक है, इसका मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया एल रेज टू पावर 2, ठीक है. और देखिए यहाँ पे एम तो है नहीं, मास तो है नहीं, तो इसका मतलब एम जो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल एम, को जीरो कर देना है, एल कैपिटल एल टू पर यहाँ पे पावर कर देनी है, टी जो है वो जीरो, ठीक है. सो दिस इज एरिया. नेक्स्ट है बच्चों वॉल्यूम. अब वॉल्यूम आप लोगों को पता है ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है. तो अब यहाँ पे लेंथ के यूनिट मीटर, ब्रेथ के भी यूनिट मीटर और हाइट के भी मीटर, इसका मतलब इसके यूनिट मीटर क्यूब बन गए. जब आप डायमेंशनल फार्मूले करोगे तो बच्चों एम मास यहाँ पे है नहीं, ठीक है, लेंथ यहाँ पे है 3 टाइम्स, टाइम यहाँ पे है नहीं, तो ये बच्चों m0 l3 t रेज टू पावर 0 बन गया इसका डायमेंशनल. नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, दिस इज अबाउट डेंसिटी. अब डेंसिटी क्या होती है, कई बच्चों प्रॉब्लम रहती है, डेंसिटी बच्चों होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कि कितने वॉल्यूम में, गिवन वॉल्यूम में कितना मास कंटेंड है. जैसे आपके पास ये मान लो वॉल्यूम है, इसमें कितना मैटर कंटेन्ड है, उस मैटर का मास मान लो, तो वो जितना मास ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी वहां पे होगी ज्यादा, ठीक है. तो अब यहाँ से यूनिट कैसे आएंगे, मास के यूनिट किलोग्राम होते हैं, ऐसा यूनिट वॉल्यूम के आपने निकाल दिए, ये नीचे है, और पावर जो है वो -3 हो जाएगी क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस में चेंज कर, ठीक है. अब मास यहाँ पे आ गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे आएगा, एम वन एल लेंथ है यहाँ पे मीटर, कितनी आ गई -3, ठीक है, और टाइम यहाँ पे है नहीं, तो एम वन एल रेस टू पावर -3 टी जीरो, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया डेंसिटी का, ठीक है. आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया है, ठीक है. ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला क्या रहता है, ये बच्चों होता है डेंसिटी ऑफ द मटीरियल, ठीक है, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी डिवाइड बाय, नीचे क्या रहता है, नीचे बच्चों हम डेंसिटी कंपेयर करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ,
ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री पे डेंसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, 1 होती है इसकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी ऊपर है, डेंसिटी नीचे है, इसका मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही किलोग्राम पर मीटर क्यूब नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स ये कट गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट्स। अगर नो यूनिट्स है तो ये बच्चों डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। ओके, तो ये टॉपिक हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो यहाँ पे फार्मूला रहेगा, दिस विल बी अबाउट वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में अपनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कितनी बॉडी ने मूवमेंट करी है, कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किया है किसी डायरेक्शन में। ठीक है, और टाइम के साथ हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा यहाँ पे, सिर्फ आप याद रखना डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस ही मानो अगर किसी बच्चे को पता है। डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम SI यूनिट में सेकंड के मेयर होता है, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या रहेगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा m मास, यहाँ पे है नहीं, इस m को इस m के साथ कंपेयर नहीं करना है, m जीरो l वन t माइनस वन। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक रहता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है कि किसी बॉडी की टाइम के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कैसे चेंज करी है। ठीक है, कैसे चेंज करी है, आप एक्सेलरेटर पे पैर रखते हो स्पीड अप हो जाती है कार, तो इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर गई। ठीक है, तो वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड, नीचे भी सेकंड आ गया, तो मीटर रेज टू पावर मीटर सेकंड रेज टू पावर माइनस टू। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे करेगा, मतलब इसको बोलेंगे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलना सीखिए अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले को कैसे बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले को सिर्फ इतना बोलना है और नीचे वाले को ये सारा बोल देना। ठीक है जी, तो दोनों हो गए यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन पता लगी। एक्सेलरेशन हो गया डायमेंशनल फार्मूला एम जीरो एल वन टी माइनस। दिस इज अबाउट एक्सेलरेशन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट रहता है फोर्स। ठीक है, अब फोर्स क्या होती है, फोर्स होता है किसी बॉडी के ऊपर आप उसको कितनी कितनी जोर से खींच रहे हो, ठीक है, अपनी तरफ, या फिर उसको धक्का लगा रहे हो, तो उस बॉडी का मास तो रहता है, अगर आप खींचोगे या धक्का लगाओगे तो वो बॉडी की वेलोसिटी चेंज करेगी, मतलब एक्सेलरेट होगा। तो फार्मूला यहाँ पे रह जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स के फोर्स का फार्मूला ये रहता है। अब यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाओगे, मास है किलोग्राम तो आएगा ही भाई, एक्सेलेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अभी करके हटे हैं। ठीक है, तो इसको हम न्यूटन भी बोल देते हैं, न्यूटन पर्सन का नियम है जिसने इसके बारे में बताया था, न्यूटन भी आपने इसको बोल देना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला एम वन एल वन टी माइनस टू। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने याद रखना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इसी के फोर्स के बेसिस पे अब जितने भी डायमेंशनल फार्मूले हैं कर लेते हैं। इसमें बच्चों आ जाएगा प्रेशर, सबसे पहले क्या आएगा प्रेशर। प्रेशर अब क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कि किसी गिवन एरिया पे आप कितनी फोर्स लगा रहे हो वो बच्चों प्रेशर बन जाता है। अब न्यूटन आपने अभी करा था, मीटर स्क्वायर आपने अभी करा था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया, जहां फिर कैसे लिखोगे, फोर्स कैसे आया, फोर्स न्यूटन का फार्मूला क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर रेज टू पावर माइनस टू। अब यहाँ से ये पावर माइनस माइनस टू है, ये वन है, इसका मतलब ये पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस वन आ जाएगा, सेकंड रेज टू पावर माइनस टू हो गया। डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से क्या आएगा, वो बच्चों होगा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। ओके, तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा जो टॉपिक रहेगा दिस विल बी अबाउट थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट क्या होती है, थ्रस्ट बच्चों एक तरह का प्रेशर ही होता है, याद रखना। ठीक है, जो लिक्विड के केस में नॉर्मली लगता है, नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्मल 90 डिग्री एंगल पे फोर्स लगती है, उसको हम प्रेशर बोल थ्रस्ट बोल देते हैं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम एज फोर्स जो क्या आया, एम वन एल वन टी माइनस टू। ठीक है, और फार्मूला जो यूनिट है वो आपने करी नहीं है।
नेक्स्ट हमारा 13th होगा, 13th है बच्चों वर्क डन। ठीक है, अब वर्क क्या होता है? वर्क बच्चों फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कैसे बोलते हैं कि वर्क हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई बॉडी है जिसके जिसका मास है, मैं आपने फोर्स लगाई तो वो उसी ही डायरेक्शन में मूव कर, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर गई। तो अब आपने कितनी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करी है और कितनी फोर्स लगाई है, ठीक है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसके क्या थे डिस्टेंस के मीटर, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू पावर माइनस टू। यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला एम वन एल टू टी माइनस टू। ओके, एंड वन मोर थिंग इज अनदर यूनिट यहाँ पे क्या होंगे, न्यूटन मीटर जिसको हम जाउल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने, जाउल पर्सन का नेम ही है। ओके, 14th फार्मूला हमारा डायमेंशनल फार्मूला वर्क का। बच्चों 14th के बाद 15th है, ये है पावर। क्या पावर, पावर क्या होती है कि आप कितना काम कर सकते हो कितने टाइम में। ठीक है, कितना काम कर सकते हो कितने टाइम में। वर्क के यूनिट अभी आपने करे न्यूटन मीटर था। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ न्यूटन मीटर डिवाइड बाय टाइम, तो ये बन गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अब न्यूटन को कैसे लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर एक बार साथ में है, सेकेंड माइनस वन, यहाँ से बन गया डायमेंशनल फार्मूला बनाना है ना, तो वैसे ही बनेगा। तो ये दूसरे इसके यूनिट अनदर आ जाएंगे जाउल पर सेकेंड। ठीक है, जहाँ फिर जाउल पर सेकेंड को बच्चों हम वाट भी बोलते हैं। यहाँ से मीटर मीटर रेज टू पावर टू माइनस थ्री इसकी वैल्यू आ गई सेकेंड की, एम वन एल टू टी माइनस थ्री। ठीक है, तो ये आपका पावर का फार्मूला बन गया। ठीक है, पावर का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से डराइव हो गया। के बाद बच्चों दो और करने हैं, बाकी बच्चों ऐसे ही चलते जाने, आप लोग फिर कर लेना कैसे चैप्टर चलेंगे आप लोग आई जाएंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको आप लोगों को आइडिया बता दिया है कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कि मान लीजिए एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसका मास है m, ठीक है, वन, और इसका मास है m2। अब आप लोगों ने प्लैनेट तो सुना है कि प्लैनेट एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं। मान लीजिए उन दोनों के बीचकार डिस्टेंस, दो प्लैनेट के बीचकार डिस्टेंस कितनी है, d है, तो दोनों में जो फोर्स रहेगी वो डिपेंड करेगी इन दोनों प्लैनेट का मास कितना है, सेकेंडली ये डिपेंड करेगी इन दोनों के डिस्टेंस कितनी, इनवर्स रिलेशन के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से फोर्स जो है m1 into m2 divided by d square, ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब हम कभी भी साइन हटाएंगे याद रखना हमेशा एक कांस्टेंट आता है, ये जो कांस्टेंट है कैपिटल G है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसी का ही आपने फार्मूला निकालना है। यहाँ पे फार्मूला आ गया F is equal to G into M1 M2 divided by D square, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, क्या था F is equal to capital G M1 M2 divided by D square। तो आप क्या करोगे, कैपिटल जी एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू एम टू, फोर्स न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, नीचे के जी दो बार, तो ये बन गया न्यूटन पर के जी स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यहाँ से न्यूटन को आप कैसे लिखोगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साथ में के जी रेज टू बार माइनस टू, ठीक है, इंटू मीटर रेज टू बार टू। यहाँ से बच्चों का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, के जी रेस टू पावर ये वन है, माइनस टू है, माइनस वन जाएगा, एम रेस टू पावर थ्री, टी रेस टू पावर माइनस टू, अब एम माइनस वन, एल थ्री, टी माइनस, ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। तो ये टॉपिक था, ठीक है, बाकी आप लेटर ऑन जितने जितने जाएंगे एमसीक्यू सॉरी चैप्टर्स, तो ये आपके डायमेंशनल फार्मूले वैसे वैसे आते जाएंगे, मैंने यहाँ पे आइडिया बताया करने हैं। थैंक यू वेरी